आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। थाना मलपुरा धनोरी लाल मंदिर में लगी देवी प्रतिमा को शरारती तत्वों ने तोड़ दिया। जैसे ही इसकी सूचना लोगों को लगी, गुस्सा व्याप्त हो गया। तत्काल ही सूचना पुलिस को दे दी गई। थाना मलपुरा पुलिस मौके पर पहुंच गई। लोगों में आक्रोश व्याप्त था। आक्रोश को देखते हुए आनंद फानन में स्थानीय प्रधान द्वारा तत्काल नई देवी की प्रतिमा स्थापित की गई। धनोली स्थित लाल मंदिर में कई बार शरारती तत्व अपने हाथ दिखा चुके हैं। सुबह हम लोग जाग के आए तो देखा मंदिर के अंदर मूर्ति टूटी पड़ी हुई थी। पुलिस प्रशासन को रिपोर्ट कराई, फिर वहाँ से वो आए, वो लेके गए, फिर आकर के हमने नई मूर्ति तुरंत ही माता की मूर्ति। अब ये कह नहीं सकते किसी अज्ञात ने, शराबी ने, कह किसने तोड़ी है। पहले भी एक बार उखाड़ ले गए थे मूर्ति को, कई बार इसमें से घंटे भी चोरी हो गए। अब ये कह नहीं सकते किसी का, आप ऐसे माहौल खराब करना चाहता है। हमें तो ऐसा ही लग रहा है कोई माहौल खराब करने के उसमें हो। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे कौन से शरारती तत्व हैं जो लगातार लाल मंदिर को निशाना बनाते हैं। ऐसा लगता है कि शरारती तत्व माहौल खराब करना चाहते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों ने समझदारी का परिचय दिया जिससे माहौल खराब होने से बच गया। थाना मलपुरा धनौली स्थित लाल मंदिर को शरारती तत्व कई बार निशाना बना चुके हैं। एक बार फिर शरारती तत्वों ने लाल मंदिर को निशाना बनाया, प्रतिमा को खंडित कर दिया। स्थानीय प्रधान और पुलिस के द्वारा फिर से प्रतिमा स्थापित कर दी गई है। जबकि आगरा सहित पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है, इन सब के बावजूद शरारती तत्व अपनी घिनौनी करतूत से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि शरारती तत्व फिजा खराब करना चाहते हों। अपने साथी अनूप भगेल के साथ मलपुरा से राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।